तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैसेज आ चुका है आपके सामने, देख सकते हो यहाँ पे, मैसेज चेक करो। तो भाई काफी सारे लोगों ने बोला था कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हम सामने वाले को मैसेज करें और हमारा रियल नंबर उसको ना शो हो। काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था फेक एसएमएस के ऊपर, बट वो वीडियो अब सही से काम नहीं करता। मतलब उसमें बताई हुई जो वेबसाइट्स हैं और जो एप्लीकेशन है, आज की जो वीडियो में मैं ऐप लेकर आया हूँ, पूरे यूट्यूब में चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भी वीडियो में ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसे रिसर्च करके ढूंढा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं कोई भी कॉइन कलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ना ही कोई पे करने की बात कर रहा हूँ, ना ही कोई ऐड देखने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टेंट आपको क्रेडिट मिलेंगे, उन क्रेडिट से आप 60 SMS कर सकते हो, 60, और जब आप 60 SMS आपके खत्म हो जाए तो फिर से फ्री में आप 60 SMS कर सकते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो SMS, वो भी फ्री में, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। वो कैसे कर सकते हो, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई भी परचेज नहीं करना, कोई भी पे नहीं करना, कुछ भी नहीं, फ्री में क्रेडिट्स मिलेंगे। और वो कौन सा एप्लीकेशन है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे पहले वीडियो को देखो और कैसे आपको सेटअप करना है वो भी देखो। तो मेरे पास प्रूफ है, आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का सामने वाले को शो करेगा। यहाँ पर मैंने SMS करा है अपने इस वाले फोन के ऊपर, और ऊपर आप देख सकते हो कि एक कोई नंबर सा शो हो रहा है, 5 और 6 डिजिट का कोई नंबर है, इससे आप पता ही नहीं लगा सकते कि मैसेज करा किसने। तो भाई ये वीडियो किसी इलीगल पर्पस के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप किसी को परेशान करने के लिए, इलीगल पर्पस के लिए करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूं आपको कौन सा एप्लीकेशन है और आप कैसे करना है। तो ये दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा आपको, साइनअप पे क्लिक करना है, नीचे जो साइनअप का ऑप्शन है वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि आप अपनी कोई ईमेल आईडी लगाओ। तो ईमेल आईडी हमें टेम्प मेल से मिल जाएगी, अब टेम्प मेल का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ये कह रहा है परचेज करने के लिए, पर हमें यहाँ पे कट कर देना है। तो इसके अंदर आपको टेम्परेली एक ईमेल मिलता है जिसके ऊपर आपको OTP मिल सकता है, आपका कोई पर्सनल ईमेल नहीं होता। यहाँ पे मैंने उस ईमेल को पेस्ट करा, और पासवर्ड में भी वही सेम ईमेल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और दोबारा से मुझे यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, और उस पासवर्ड को भी मैं दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, वही मतलब पासवर्ड जो ईमेल है वही सेम मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है। अब मुझे करना क्या है, थोड़ी देर करना है वेट। अब मुझे आना है बैक, उसके अंदर आना है टेम्प मेल के अंदर, यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर आप मुझे वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आया हुआ है, यहाँ पर मैं उसे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर का मुझे यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए दिख रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट पर ले जाएगा, बस एक क्लिक करना है जिससे हमारा वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। हमारा यहाँ पर देख सकते हो ईमेल वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड होने के बाद अब आना है हमें यहाँ से बैक, हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है इसका। बैक आने के बाद दोबारा से उस एप्लीकेशन पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीटेड लिखा हुआ आ चुका है। साइड में हम 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, नीचे आने के बाद फ्री फोन पे क्लिक करेंगे, फ्री फोन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो 36.80 क्रेडिट्स यहाँ पर मुझे मेरे पास मिले हुए हैं फ्री में, यहाँ पर मुझे कोई अर्न नहीं करना पड़ा। मैंने फ्री टेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर फ्री कॉल्स के लिए भी ऑप्शन है टेक्स्ट। सबसे पहले तो मुझे कोई फ़ोन नंबर चूज़ कर लेना है जो मतलब जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज होगा वो जाएगा, ठीक है। हमारा कोई से भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा सबसे स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर स्टार्टिंग वाला। अब यहाँ पर आपको वो फ़ोन नंबर देना है जिसको आपको सेंड करना है, मतलब आपके दोस्त का या फिर आपके रिलेटिव का, जिसका भी फ़ोन नंबर है, जिसकी भी आपको फ़ोन नंबर पर उसे सेंड करना है वो मैसेज, ठीक है। यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लिखना है, या यहाँ पर आपको मैसेज लिखना है जो आपको सेंड करना है मैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी एक फटाफट से मैसेज लिख लेता हूँ, सब्सक्राइब करो और चैनल और लाइक करो। इतना लिख देने के बाद यहाँ पर मुझे सेंड की बटन पे क्लिक करना है। अब थोड़ी देर प्रोसेस होगा, आप वहाँ पर कॉइन देख सकते हो, यहाँ पर सक्सेस लिखा आ चुका है, आप वहाँ पर कॉइन कट चुके हैं और मेरा मैसेज सेंड हो चुका है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया सेटअप कैसे करना है, अभी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ इसके अंदर मैसेज करके कि इससे आपके सामने मैसेज जाएगा इसके अंदर। अभी तो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई थी फ़ोन के अंदर जब मैं सेटअप कर रहा था, तो यहाँ से मैंने एक मैसेज टेस्ट कर लिया है भेज के। तो यहाँ से मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन सा नंबर है, कौन सी कंट्री का, जो भी नंबर है आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ से
मैं कर लेता हूँ उस नंबर को टाइप जो इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर लगा है इसके अंदर, तो शायद मैं ब्लर कर दूँ या फिर ना ही ब्लर करूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, इसके ऊपर आप मैसेज ना करें ना कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेंड करके, ठीक है। यहाँ पर मैसेज लिखना है, ये देख सकते हो आप, पहले मैसेज देख लो। प्लीज़ सब्सक्राइब साइबर प्लेयर चैनल का नाम है मेरे, और लाइक एंड शेयर। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, आप खुद देख लेना, यहाँ पे क्रेडिट कटेंगे, और तो यहाँ पर देख सकते हो आप मैसेज आ चुका है आपके सामने, देख सकते हो यहाँ पे मैसेज। आप देखो मैसेज चेक करो, मैसेज में चलते हैं। अभी इससे पहले मैंने टेस्ट करा था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, अभी मैंने दोबारा से भेजा है यहाँ पर, आप जरा मैसेज को देखो। तो भाई आपने देखा ना, मैंने एक SMS सेंड करके दिखाया इसके अंदर, उसमें मुझे कितने क्रेडिट कटे हैं, मुझे इसके अंदर 0.60 मुझे टोटल क्रेडिट जो मिले थे 36.80 क्रेडिट मिले थे, जिसके अंदर 60 क्रेडिट कट गए एक SMS पे और 20 बचे हुए। अब इसके अंदर आप देखो, एक बार अकाउंट बनाने के बाद आप 60 SMS भेज सकते हो, उसके बाद जब ये आपका 60 क्रेडिट खत्म हो जाए तो आपको करना क्या है, दोबारा क्रेडिट पाने के लिए आपको दोबारा से यही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने टेम्प मेल की एप्लीकेशन बताई है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है। क्रेडिट खत्म हो जाए तो क्लियर डेटा कैसे करना है आपको, देखो MI का फोन है तो यहां पर एक तरीका है कि आप यहां पे चले जाओ सेटिंग में फोन की, ठीक है। यहां पर आप ऐप इन्फो के अंदर, यहां पर आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप नए हो, तो आपको करना क्या है, फोन की सेटिंग के अंदर आना है। फोन की सेटिंग के अंदर आकर यहां पर आपको ढूंढना है ऐप मैनेजर, या फिर जो भी ऐप मैनेज या फिर कुछ भी नाम से होगा, तो यहां पर ऐप मैनेजर है। इसके अंदर क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन दिख गई है, तो आपको ढूंढना है उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन कहाँ है। तो एप्लीकेशन का नाम है बैकटेल। तो यहाँ पर आने के बाद नीचे क्लियर डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से क्लियर डेटा कर दोगे तो डाटा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो टेम्प मेल की आईडी है, जहाँ से मैंने आईडी लगाई थी, मान लो आपको ये आईडी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये आईडी लगाई थी, अब मुझे इसे चेंज करना है क्योंकि दोबारा दूसरी ईमेल चाहिए। चेंज पे क्लिक करूँगा, श्योर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से देखो डिस्ट्रॉय होने के बाद मुझे दोबारा से दूसरी यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी मिल गई। अब यहाँ से कॉपी करके मैं दोबारा से इसके अंदर लगा दूंगा, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर दोबारा से वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा नीचे इनबॉक्स में, थोड़े बहुत ऐड आते रहेंगे, तो यहाँ से मैं वेरीफाई उसे कर लूंगा। तो भाई आपने देख लिया कि क्लियर डाटा कैसे करना है ऐप का, टेम्प मेल के अंदर आपको दोबारा से नई ईमेल आईडी कैसे मिलेगी, आपको सेम वही प्रोसेस साइन अप करना है, अकाउंट नया बनाना है, उसके बाद बस फिर आपको फिर से वहां पर क्रेडिट मिल जाएंगे। तो ज्यादातर इससे आप SMS ही करना। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी सब्सक्राइब नहीं करना, पहले जाओ इसको ट्राई करो और SMS सेंड करके भेजो, वीडियो को बैक करना भाई, हटाना नहीं, दोबारा से आना जब आपका काम हो जाए ना, आपको दिखे प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई SMS जा रहा है, उसके बाद आके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, कितने सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका काम हो जाता है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ। और इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको थोड़े बहुत एड शो होंगे वहां पर, अगर कोई और एप्लीकेशन आपको शो हो रही है तो उसको एक बार बैक कर दो, फिर से क्लिक करो। जब आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाओ डायरेक्टली एक क्लिक में, तो समझ जाना वही एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा भी दिया है कौन सी एप्लीकेशन है, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।